18 जुलाई 2022, तो जैसे कि लास्ट दो तीन दिन से बारिश हुआ नहीं है, तो धूप बहुत तेज है अभी। तो आज मैं मेरे गार्डन में लगे हुए कुछ पुराने प्लांट्स और कुछ नया मैं प्लांट्स को ग्रो किया हूँ उसके अपडेट में शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरे मॉर्निंग ग्लोरी के जो प्लांट है उसमें देखिए बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ इसके अपडेट्स शेयर कर रहा हूँ। मैं इसे कटिंग से ग्रो किया था, उसके पास ही है मेरे एलामंडे के ड्वार्फ वैरायटी, मतलब देसी वैरायटी भी कह सकते हैं आप इसे। येलो कलर में ही फ्लावरिंग होते हैं, लेकिन फूलों के साइज थोड़े से छोटे होते हैं। और नॉर्मल जो वैरायटी है येलो कलर के, वो देखिए वो भी फूल खिला है आज। लेकिन इसका साइज देखिए थोड़ा सा बड़ा है, लीव्स के साइज भी बड़े हैं और इसके जो लीव्स है उसके साइज थोड़े से छोटे होते हैं। तो ये तो एलामंडा का देसी वैरायटी, इसे भी मैं कटिंग से ही ग्रो किया था। और मैं दो बनाना की प्लांट को ग्रो किया हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे इस गुआवा के प्लांट पे देखिए नए नए से बर्ड्स आना चालू हो चुका है। और इससे पहले 8 या 9 गुआवा थे जो धीरे धीरे से इसके साइज इंक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पर नीचे की साइड पे भी कुछ थे जो देखिए अभी बड़े साइज हो रहे हैं, ये भी धीरे धीरे से और भी बड़े होंगे और प्लांट का ग्रोथ भी बड़ा हो रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में इसमें कितने सारे गुआवा बनते हैं और इसके साइज कैसा होता है। ये एक लोकल वैरायटी है, मतलब बारुईपुर वैरायटी, हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल पे बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर मैं एक बनाना की प्लांट को ग्रो किया हूँ, हालांकि ये कौन से वैरायटी है इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ आने वाले वीडियोस पे शेयर करूँगा। लेकिन ये छोटा ही होता है, मतलब 4 से 5 फीट तक लंबा होता है और इसमें बनाना लगते हैं। मैं दो प्लांट को लाया हूँ मेरे रिलेटिव्स के घर से, मैं इसे खरीदा नहीं हूँ। देखते हैं इस कैरी के अंदर इसके ग्रोथ कैसे होते हैं और कितने बनाना बनते हैं। और मेरे यहाँ पर जो गुआवा के प्लांट थे उसमें भी बहुत सारे ब्रांच निकलना शुरू हो चुका है। जैसे कि बारिश के मौसम में आप किसी भी प्लांट को ग्रो कर सकते हो, प्लांट्स बहुत अच्छे से लग जाता है। और मेरे मैंगो के जो छोटे से प्लांट थे यहाँ पर बहुत सारे ब्रांच था जिसमें मुकुल आए थे, उस सबको मैं काट कर फेंक दिया हूँ। अभी फिलहाल एक ही है और इस साइड पे और एक ब्रांच पे मुकुल आया है। और पपाया के प्लांट पे फिर से ऊपर की साइड पे बहुत सारे पपाया बन रहा है। यहाँ पर देखिए 5 से 5.5 फीट का लंबा होगा ये प्लांट और मेरे कैरी के अंदर लगा हुआ है। और इस साइड पे और मैं एक बनाना प्लांट को ग्रो किया हूँ, सेम वैरायटी है, हालांकि फिलहाल इसका नाम मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं एक थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर ग्रो किया हूँ। और मेरे लीची के जो प्लांट है उसे मैं अभी आज ही इस 16 इंच सीमेंट पॉट के अंदर शिफ्ट किया हूँ। ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए से ब्रांच निकल रहा है। तो देखते हैं इसका भी रिजल्ट कैसा आता है आने वाले समय में, मैं इसे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर कुछ दिन पहले मैं ग्रो किया हूँ 2 पपाया प्लांट को दोबारा से, हालांकि एक प्लांट तो मेरे पास ऑलरेडी है और इसे भी मैं ड्वार्फ वैरायटी ही बोलकर खरीद कर लाया हूँ। देखते हैं इसमें रिजल्ट कैसा होता है। एक प्लांट तो ठीक ठाक है लेकिन इस प्लांट का हालत थोड़ा सा खराब है। तो देखते हैं, दोनों को ही मैं थर्मोकोल डिब्बे के अंदर ग्रो किया हूँ। और मेरे मिर्च के प्लांट पे बहुत सारे मिर्च बना है, हालांकि बहुत सारे मिर्च को आज ही मैं हार्वेस्ट किया हूँ। इससे दो दिन पहले भी मैं बहुत सारे मिर्च को हार्वेस्ट किया था और मेरे पास 1, 2 और यहाँ पर एक है, मतलब 3 मिर्च के प्लांट है। और तीनों प्लांट का ही ग्रोथ भी अच्छा है और बहुत सारे मिर्च बन रहे हैं। और मेरे बैगन, मतलब एक प्लांट्स पे भी बहुत सारे बैगन लगा है। और ये मेरे वही प्लांट है जिसे मैं लास्ट ईयर ग्रो किया था नवंबर में। देखिए कितने सारे लगे हैं। इस साइड पे जो प्लांट है उसमें भी बहुत सारे बैगन लगा हुआ है, 4 प्लांट है, चारों प्लांट पे जम के बैगन हो रहा है। और ऑलमोस्ट सभी प्लांट ही मेरे थर्मोकोल डिब्बे के अंदर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे गार्डन में ग्रो किया हुआ कुछ नया प्लांट्स और कुछ पुराने प्लांट्स के अपडेट जो मैं शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।